हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इस मटर से दो तरह का बिल्कुल हेल्दी ऑयल फ्री नाश्ता। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक कटोरी मटर लिया है और एक कटोरी ही चावल लिया। मटर को अच्छी तरह से धो लिया, साफ़ कर लिया और चावल को 1 से 1.5 घंटा पानी में धो के भिगो के रखा था। अब इसको हमें पीसना है। तो इसमें जार में हम मटर डालेंगे, चावल को भी उसी में साथ में पीस लेना है। चावल को भी इसके साथ ही पीसेंगे हम और इसी चावल में हम ये 8-10 लहसुन के दाने, 2 हरी मिर्च रफली ऐसे ही तोड़ के डाल देंगे क्योंकि अभी हम इसको पीसेंगे ही, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। बस इन सब चीज़ों में थोड़ा सा पानी दे के, इतना पानी डालना है ताकि आसानी से पिस जाए, और इसको पीस लेना है। देखिए कुछ इस तरह का पेस्ट हो जाएगा तैयार। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब जब तक हम ये इडली मेकर में थोड़ा पानी देके इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं इसकी इडली बनाने वाली हूँ। तो पानी जब तक गर्म होने रख देते हैं, अब आगे के प्रोसेस में लगते हैं। अब इसके अंदर हमको डालना है नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, 1 टीस्पून भर करके बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन सब चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना अच्छी तरह से इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 2-3 बूंद नींबू का रस ताकि बेकिंग सोडा अपना जो काम है वो स्टार्ट कर दे करना, क्योंकि वो एक्टिव नहीं होगा बिना किसी भी खट्टे चीज़ के। तो आपके पास नींबू नहीं हो तो आप सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून। अब इस मोल्ड में हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। और इसको टिश्यू पेपर से हम पोंछ लेंगे। बिल्कुल पोंछ देना है ऑयल को, उसमें रहना नहीं चाहिए। और अब इसके अंदर 2 से 2.5 टीस्पून जितना आपको जी चाहे इसमें मोल्ड में डालना है बैटर को। जितना बड़ा मोल्ड हो आप उसके हिसाब से डालिए उसमें बैटर। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट तक। और जब तक ये पक रहा है तो अब हम दूसरा नाश्ता बनाते हैं। तो फ्राइंग पैन रखेंगे गैस पर और इसको ब्रश करेंगे ऑयल से। सिर्फ ब्रश करना है, इसमें ऑयल डालना नहीं है, सिर्फ ब्रश करना है। और थोड़ा सा बैटर इस पर हम इस तरह स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे टमाटर। मेरे पास टमाटर, प्याज, हरी मिर्च अवेलेबल था तो हम ये डाल रहे हैं। अगर आप लोगों के पास और भी कुछ सामान हो, जैसे कि शिमला मिर्च हो, गाजर हो, बीट रूट हो, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, जो भी चीज़ हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये इडली भी हमारा रेडी हो गया। अब इसको थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा, इसको आप डोसा बोल सकते हैं, तो ये भी रेडी हो गया है एक। इसको हम निकाल लेते हैं और सेम तरीके से एक और हम बना लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे हिम्मत मिले, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ और अपनी रेसिपी को आपके साथ शेयर कर सकूँ। अब ये इडली भी थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई है तो इसको हम मोल्ड से निकाल लेते हैं।
इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। कितनी अच्छी और सॉफ्ट इडली तैयार हुई है। और अब ये देखिए डोसा भी रेडी हो चुका है। इसको 5 मिनट और पकने देते हैं। आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, पीनट की चटनी हो या नारियल की हो या और भी कोई चटनी हो। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी, मेरे पास सॉस था घर में रखा हुआ, तो मैंने उसे ऐसे ही डेकोरेट कर दिया। ये बच्चे सॉस के साथ भी बड़े शौक से खाते हैं। और इसको भी अब हम निकाल लेते हैं। तो ये दो तरह का ऑयल फ्री नाश्ता रेडी हो गया है। मेरा आइडिया आप लोगों को ऐसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे हम एक नए आइडिया के साथ, एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।